मैं आपके माध्यम से सदन का और सरकार का ध्यान मुंबई में दो ईएसआईएस के अस्पताल है जो कामगारों के पगार के पैसे में से उनको मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए होती है। एक में पिछले साल आग लग गई थी, 14 लोगों की मृत्यु हो गई, वो आज तक बंद पड़ा है। दूसरा अस्पताल 300 बेड का है लेकिन 100 बेड से ज़्यादा उसकी ऑक्यूपेंसी नहीं रहती है, वो काफ़ी जर्जर अवस्था में है। कामगार कल्याण केंद्र की योजना के माध्यम से जब केंद्र सरकार कामगारों के कल्याण के लिए उनके पगार से पैसे काटती है, मुंबई में पिछले दिनों भारी बारिश के चलते एक दीवार गिरने से कई मजदूरों की मौत हो गई और ये भारी बारिश के चलते कामगारों को स्वास्थ्य के लिए दोनों अस्पताल में सुविधा देना आवश्यक है। एक बंद पड़ा है और दूसरा काफी जर्जर अवस्था में जो मेरे मतदार संघ में है, कर्मचारियों के निवास स्थान की हालत भी काफी जर्जर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि दोनों में एक को शुरू किया जाए और दूसरे में आरोग्य की सुविधाएं बढ़ाई जाए।